योग आयोग के गठन पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा सीएम शिवराज की घोषणा का कराया जाएगा पालन, योग के विषय को स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। कमलनाथ के महाराष्ट्र दौरे पर वीडी शर्मा का बयान, कहा मध्य प्रदेश के कोई नेता तो सुनते ही नहीं है, अब वो महाराष्ट्र से बंटा धार करके लौटेंगे। कांग्रेस विधायक शर्मा ने बीजेपी की नियत पर उठाए सवाल, कहा सरकार को मांगना चाहिए माफी, ये कश्मीर देने की बात कह रहे हैं। खरगोन में भी मानसून ने दी दस्तक, पहली बारिश से लोगों को मिली राहत, किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी की झलक। और जमीन के बंटवारे को लेकर भाई ने की छोटे भाई की हत्या, गुजरात भागने की फिराक में था आरोपी, अलीराजपुर के बामंटा की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली खबर कमलनाथ के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी हुई, जहां बीटी शर्मा ने उन पर निशाना साधा। बीटी शर्मा का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल की वजह से कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, मध्य प्रदेश के कोई नेता तो उनकी सुनते नहीं है, वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां भी बंटाधार करके लौटेंगे, वो बंटाधार टूर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है, शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ गुजरात चले गए हैं और पार्टी का एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग कर रहे हैं। अभी मैं समाचारों में देख रहा था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उलट फेर चल रहा है और वहाँ कमलनाथ जी को ऑब्जर्वर बना करके भेजा है, मध्य प्रदेश का कोई विधायक कमलनाथ जी की सुनता नहीं है, मध्य प्रदेश के विधायक भाग जाते हैं, मिस्टर बंटाधार टू, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बंटाधार करके ही लौटेंगे वो, वहां पर जाकर के और क्या करेंगे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार की नियत पर सवाल करते हुए कहा सरकार को माफी मांगना चाहिए, ये कश्मीर देने की बात कर रहे हैं, जबकि नेहरू पटेल ने कश्मीर को बचाया था, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर कहा कि सरकार कलेक्टर से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करवा रही है, कलेक्टर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन निकायों में जीत कांग्रेस की ही होगी। पहली बात तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जो पीएससी सरकार के अधीन आती है, अपॉइंट करते हैं पीएससी मेंबर्स और अधिकारी होते हैं, ये इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर दे देना चाहिए, मतलब इनकी मानसिकता है कि कश्मीर दे दो, क्योंकि ये कश्मीर संभाल नहीं पा रहे हैं, कश्मीरों में पंडितों की हत्या हो रही है, पहले तो वैसे होती थी, अब नाम पूछने हो रही, तेरा नाम क्या है, और गोली मार देते हैं आतंकवादी, इनसे संभल नहीं रहा है, अब तो इनको जो कश्मीर फाइल के बजाय कश्मीर फाइल टू बनाना चाहिए, जो हालत कर दी है, और इसीलिए इनको इस तरह का सवाल पूछने की आवश्यकता पड़ी। और ये मान के चलिए सरकार दिल्ली वाली रही तो एक ने एक दिन ये जो सवाल पूछे गए हैं यही सवाल एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो खरगोन में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, जहां पहली बारिश से कुछ हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और किसानों के चेहरों पर खुशी भी दिखाई दी। दरअसल बारिश के साथ अब किसान खेतों में बोनी की भी तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन वहीं बारिश के कारण सड़क में पानी भरने से राहगीरों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। गौरतलब है कि शहर के कई इलाकों में अमृत योजना और ड्रेनेज के काम चल रहे हैं। और अब खबर अलीराजपुर के बामंटा से, जहां भाई की हत्या करने वाले आरोपी को नानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक भाई ने अपने ही छोटे भाई की जमीन के बंटवारे को लेकर फालिया से हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी गुजरात भागने की फिराक में था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अलीराजपुर पुलिस, अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसने 24 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने टीम का उत्साहवर्धन करते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की। दिनांक 20/6/2022 को रात्रि 10 बजे नामपुर पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि एक सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की फालिया मारकर हत्या कर दी है। हत्या को लेकर कारण जो सामने आया वो जमीनी विवाद है। तत्काल
वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के विषय में अवगत कराया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी के द्वारा टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा अलग अलग स्थानों पर आरोपी की पतारसी के लिए दबिश दी गई और इसमें आरोपी नान सिंह जो है वो हमें लक्ष्मणी के पास से मिला, जो कि गुजरात भागने की फिराक में था। इस प्रकार पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। भोपाल क्राइम ब्रांच टीम ने गांजे की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 23 किलो गांजा जब्त कर लिया है। इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक गांजे की तस्करी उड़ीसा जगदलपुर से भोपाल में की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलते ही टीम का गठन किया गया और आरोपी को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि भोपाल क्राइम ब्रांच का नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैकुंठपुर स्थित शासकीय आदर्श रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें, यह कार्यक्रम जिला प्रशासन ने आयोजित किया, जहां योग गुरुओं के द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा समेत जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज उसी तारतम्य में जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोगों के सभी स्तर पर लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। और योग एक ऐसी विधा है जिससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। आज उसी क्रम में सभी ने संकल्प भी लिया, योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में आज इसको मनाते हैं। निश्चित रूप से योग और जो प्राणायाम है उसको अगर दैनिक दिनचर्या में अगर सभी लेके आते हैं तो जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और अपने काम के प्रति सभी के प्रति हमको आत्मविश्वास मिलेगा। आज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ बैतूलपुर में जिला मुख्यालय में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भिंड के विरखेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का सुदामा चरित्र के साथ समापन हुआ। इसमें सुप्रसिद्ध कथावाचक देवी संध्या ने कथा के विश्राम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का रोचक ढंग से कथा सुनाई उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने रुक्मणी विदर्भ की कथा भी सुनाई, जिस दौरान उन्होंने कहा कि देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। और देवी जी ने यह भी कहा कि संसार में मित्रता भगवान श्री कृष्ण सुदामा की तरह होनी चाहिए। अंबिकापुर के नेशनल हाईवे 130 में परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने शव रखकर चकाजाम किया और 30 लाख के मुआवजे के साथ ही ठेकेदार एसडीओ के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की। साथ ही लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार में लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। दरअसल अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक घायल हो गया था, जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। और अब आपको जानकारी देते हैं चाचौड़ा नगर की, जहां नगर परिषद बीनागंज के सफाई कर्मचारी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, इस बात की उन्हें जरा भी चिंता नहीं है कि अगर कल जनता बीमारी की चपेट में आ गई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दरअसल यहां सफाई कर्मी पानी को साफ करने वाली फिटकरी को कचरा वाहन में ले जाते हैं और यही फिटकरी खानपुरा तालाब में डाल दी जाती है, जिससे पूरे तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर यही पानी घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। जाहिर है इससे बीमारी फैलने का खतरा तो बनेगा ही। इसमें नगर परिषद के वाटर सप्लाई करने वाले विभाग के कर्मचारियों पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हमारे साथ अंकित शर्मा है जाचौड़ा से, हम चर्चा करते हैं उनसे इस खबर पर। अंकित, ये हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, क्या यही गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों में रखी फिटकरी भी स्पष्ट नजर आ रही है? ये तो अब सवाल ही नहीं बनता कि फिटकरी आ रही है या नहीं इन वाहनों में। आ रही है और जिस तरह से गंदगी देखने को मिल रही है और अब इस पानी से किस तरह की बीमारियां हो रही है, ये जानना जरूर जायज। फिटकरी यहाँ से खानपुरा के तालाब चाचौड़ा से लगभग 3-8 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से बीनागंज चाचौड़ा का पानी आता है पीने का।
जो जनता पानी पीती है, ये इसमें नगर परिषद की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जो पानी जनता पी रही है, जो कचरे गाड़ी में फिटकरी रखा के जा रही है और पैक होके गाड़ी जा रही है। मैडम बिल्कुल, क्या कहना है उनका, विभाग के कर्मचारियों का? विभाग का कर्मचारी तो अभी क्या है कि यहाँ का सीएमओ कुमराज भी बैठता है और जिसके बाद बीनागंज भी बैठता है, दो जगह का चार्ज ले रखा है इन्होंने, तो जिसके बाद सीएमओ तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती। ये कर्मचारी बीच में लापरवाही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी लापरवाही देखने को आई। जिसको जनता पानी पी रही है उसमें, मतलब जिसमें कचरा दान में तुम फिटकरी लेके जा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। इससे मच्छर बीमारी वगैरह दुनिया भर का कचरा उसमें जाता है, जिसके बाद भी आप उसमें वाहन में पैक करके और ढक्के ढक्कन जिसके बाद तुम ले जा रहे हो। जब मैं मौके पे पहुंचा वहां पर, उसका ढक्कन निकलवाया, ढक्कन निकलवा के जब वीडियो बनाई उसकी देखा तो उसमें फिटकरी निकली गई। बिल्कुल, उसके अलावा क्या है, जिसके बाद मैं वीडियो बनाने लगा तो जिसके बाद उन्होंने मुंह ढक लिया, जो गाड़ी चालक था। बिल्कुल, कचरे वाहन का। बिल्कुल अंकित, स्वच्छता अभियान की बात करती है सरकार, कितनी स्वच्छता है ये तो हम बिल्कुल समझ भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी बात हमें ये बताइए, पूरे नगर में यही पानी जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही पानी जो पूरे नगर में जाता है, यहाँ की जनता यही पानी पी रही है। बिल्कुल अंकित, अब एक सवाल ये उठता है कि आपने उन वाहन चालकों से पूछा कि वो रहते कहाँ है? अगर वो भी उस नगर का हिस्सा है, अगर उनका घर भी उसी नगर उसी क्षेत्र में आता है जिस वाटर सप्लाई से उनके घरों में पानी जा रहा है, तो उनके परिवार पर भी खतरा है। ये सवाल जरूर अगली बार आप कीजिए, इस पर फॉलोअप लीजिए, हमारी इस खबर का क्या असर होता फिर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह अगर इस काम को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये खबरें चलानी पड़ेगी हमको कि गंदे पानी पीने से उस शहर के लोग बड़ी तादाद में बीमार पड़े। जी जी, शुक्रिया। तो ये नगर के ही चांचोड़ा के ही रहने वाले हैं, बीनागंज चांचोड़ा के रहने वाले नगर के ही लोग हैं, और नगर में के ही लोग लग रहे हैं नगर पालिका में, जय ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है चांचोड़ा बीनागंज में। बिल्कुल अंकित, इस मुद्दे को हमें वाकई उठाना भी पड़ेगा और इसका फॉलो अप लीजिए इस खबर के साथ ही। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। और अब बात छत्तीसगढ़ के भिलाई की, जहां भाजपा ने अपने दो कार्यकर्ताओं को पदमुक्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग के भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू ने जिला महामंत्री लोकेश पांडे और प्रवीण विश्वाल को पार्टी से बाहर कर दिया, यानी निष्कासित कर दिया है। जहां लोकेश पांडे का नाम रंजीत सिंह हत्याकांड में आया था, तो वहीं प्रवीण विश्वाल का नाम पुलिस जवानों के साथ मारपीट में आया था, इसमें पुलिस जवान बुरी तरह से घायल भी हुआ था। इंदौर पुलिस आचार संहिता का सख्ती से पालन कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण चंदननगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पुलिस ने बीते कुछ दिनों से आचार संहिता उल्लंघन करने वाले 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और कुछ प्रत्याशियों की गाड़ी भी जब्त की है। थाना प्रभारी के अनुसार चंदननगर थाना क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। चुनाव आचार संहिता लगने के उपरांत से ही ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें लगभग 5 चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की गई है। चंदनगर क्षेत्र में नावदा पंथ में रामू भाई पति सुवर सिंह के का चुनाव प्रचार वाहन को जब्त किया गया था, जो बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहा था, और लगातार ऐसी जो भी स्थिति देखी जा रही है, लगातार भ्रमण के दौरान जो भी गलत पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में यातायात को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, बावजूद इसके सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला मालवा में मिला है, उस चौराहे का जहां तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को निजी अस्पताल में पहुंचाया। हम रोड पर जा रहे थे, उधर देखा था कि रिक्शा आ रही थी और एकदम स्लिप खा के गिर गई, पलटी खा गई, तो 2-3 जने मेरे देखो, 2 भाई को ज्यादा लग गई, चोट। लोग सवार थे? 2-3 जने थे। मालवा मिल की तरफ से आ रही थी, हम लोग इधर मालवा मिल जा रहा था, हमने देखा कि एकदम रिक्शा पलटी खाई, देखा थोड़ी उसको लगी है, चोट लगी है उसको। बीते में आ रहे थे, कोई गाड़ी पीछे ब्रेक लगाया और उन्होंने मारा, तो हमने साइड में कर लिया उस गाड़ी को, एकदम पलट गई ये गाड़ी। पूरे प्रदेश में योगा दिवस मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी गास मेमोरियल मैदान में योग किया। उनके साथ बीजेपी के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और संगठन के कई पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, साथ ही आज के दिन म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन दोनों ही अवसर पर कोहफिजा स्थित ट्रेल ब्लेजर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में नन्हे नन्हे छात्रों ने जहां योगासन किया, तो वहीं संगीत की बारीकियां सीख रहे कुछ बच्चों ने सुर भी छेड़े। मन की शक्ति देना। खरगोन के महाविद्यालय सुभिषी पैरामेडिकल एवं राहत कॉलेज ऑफ नर्सिंग में विश्व योगा दिवस मनाया गया, जहां शिक्षकों ने योग और प्राणायाम करवाया सभी को। और राजरत्न रघुवंशी ने ये बताया कि विश्व योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने विद्यार्थियों को योगासन करवाया है और हमारा आज का थीम विश्व स्वास्थ्य संगठन की योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इसके बाद उन्होंने मानव के स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। हम लोग राहत कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हैं, जहाँ पर पैरामेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग के विद्यार्थी, जिसमें GNM, BSc और MSc के विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद थे और समस्त स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद था। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बच्चों को योगासन करवाकर और जो आज का थीम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो दिया गया है WHO के द्वारा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी पर, जिसका मतलब होता है मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। हमने इन बातों पर निर्देश देते हुए और वार्तालाप करते हुए बच्चों को योगासन करवाया और मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुजालपुर सिंधी महिला मंडल द्वारा संत हृदयराम सिंधी धर्मशाला परिसर में योग दिवस मनाया गया। शिविर का शुभारंभ समाजसेवी खुशी राम आचार्य और योग शिक्षक जयप्रकाश परमार ने किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इन महिलाओं ने बहुत ही ध्यानपूर्वक योग क्रियाओं को किया और स्वस्थ रहने के गुण सीखे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के सेंट्रल जेल में भी वहां बंद 3 विदेशी कैदियों ने भी योग किया। इस दौरान जेल अधीक्षक ने बताया कि विदेशी बंदी अन्य देश में अपराध की सजा काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर होने के कारण अवसाद में भी आ जाते हैं, जिसके लिए योग काफी कारगर होता है। साथ ही अधीक्षक ने बताया कि इंदौर सेंट्रल जेल में 3 विदेशी बंदी हैं, जो इस योग के महत्व को समझते हुए न सिर्फ प्रतिदिन योगा करते हैं बल्कि अन्य कैदियों को भी योगा अभ्यास कराते हैं। तो विदेशी कैदियों का कहना है कि योगा करने के बाद उन्हें एनर्जी मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, साथ ही योग से उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य में काफी सुधार भी आया है। ये सत्य है कि आज योगा को किसी पहचान की ना तो पहले कभी ज़रूरत थी ना आज है, लेकिन आज इसके महत्व को हम सब ने बहुत अच्छे से जाना है। और हमारे जेल में 3 विदेशी बंदी हैं और उन्होंने भी इस योग के महत्व को समझते हुए ना सिर्फ ये प्रतिदिन योगा करते हैं, बल्कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम योगा करने के बाद में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारे अंदर अब वो शरीर में कोई दर्द नहीं होता, और जो हम मानसिक रूप से डिप्रेशन में थे क्योंकि बाहर के हैं, तो उन्हें अंदरूनी ताकत मिल रही है। और उनका मानना है कि हम पहले से हमारा जीवन शैली, हमारे स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। अब खबर महासमुंद के पिथौरा से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भाजपा नेताओं के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अगुवाई सांसद प्रतिनिधि स्वप्निल तिवारी ने की, तो वहीं योग शिक्षक डॉक्टर संजय गोयल, सुरेंद्र पांडे ने योग के फायदे बताकर योगाभ्यास करवाया। कार्यक्रम में योगा के महत्व के साथ ही प्रधानमंत्री की स्वस्थ भारत की मंशा पर भी चर्चा की गई। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।